बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माई टिकटिंग ट्यूटर चैनल, और आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16 है, जो कि एडवांस प्राइसिंग पे है, जो कि जिसमें हम जो है एडवांस तरीके से फेयर को चेक करना सीखेंगे। जो है हमने 15 लेक्चर को भी जो फेयर जो है चेक करना सीखा था, अडल्ट का, चाइल्ड का, इन्फेंट का, अब एडवांस तरीके से हम कुछ फेयर को कोडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम जो है अवेलेबिलिटी लेते हैं। इग्नोर करें, 125 जुलाई लाहौर से दुबई एमिरेट्स एयरलाइन। ठीक है, तो ये देखें हम जो है वो एफ क्यू जो कमांड है उसको लगाए बगैर हम जो है एक मिसाल है, हम अवेलेबिलिटी ले लेते हैं। हमें कोई पता नहीं है कौन सी क्लास जो है वो सस्ती है, तो सबसे पहले जो है हम जो है ख़ुद से ही फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ये मदर क्लास को जो है वो बुक कर लेंगे, 01 मदर 1। तो हम जो है इसको बुक कर लेते हैं। तो हम इसके बाद जो है वाटर पीटर से सबसे पहले इसका जो है वो फेयर चेक करेंगे कि इसका जो है वो फेयर क्या है। वाटर पीटर करेंगे तो ये देखें इसका जो है वो फेयर शो हो जाएगा। ये देखें 68,000 की ये सीट है। ठीक है, ये टैक्सीज़ हैं सारे, और ये बेसिक फेयर हैं और बाकी टैक्सीज़ हैं, इनको जो है वो प्लस करके सारा ये फेस वैल्यू आ जाती है। और ये देखें आपको जो है ये लाहौर से एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो दुबई जा रही है, रेट ऑफ एक्सचेंज ये है, NUC 350.16 बन रहे हैं, और रेट ऑफ एक्सचेंज 1 US डॉलर का जो है वो 167.39 है। और आगे ये देखें ये वैलिडेटिंग करियर का मतलब है कौन सा एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, तो ये के मतलब एमिरेट्स एयरलाइन ऑपरेट करेगी। इसको हम वाटर पीटर कर देते हैं तो ये देखें वो बता देगा आपको कि इस सॉरी हमने वाटर पीटर से चेक कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है सबसे सस्ती क्लास को कैसे रीबुक करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, वो क्लास को सर्च करते हैं कि कौन सी क्लास सबसे सस्ती हो सकती है। वाटर पीटर नैन्सी चार्ली शुगर कर देंगे तो वो खुद सर्च कर लेगा कि कौन सी क्लास जो है वो सबसे सस्ती क्लास आपको अभी जो इस टाइम मिलेगी वो कौन सी है। ठीक है, अगर आपने ये चेक करना है कि क्लास सबसे सस्ती कौन सी है तो वो एफ क्यू से चेक करेंगे, लेकिन ये आपको करंटली जो क्लास सबसे सस्ती होगी उसको ये सर्च करके आपको ये बता देगा कि सबसे सस्ती जो क्लास है वो कौन सी है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसके बाद एक और कमांड लगाएंगे, वाटर पीटर नैन्सी चार्ली बम्बे, जिसका मतलब होगा ये क्लास जो इसने सर्च की है सबसे सस्ती, ये खुद ही उसको ऑटो जो है वो रीबुक कर देगा। ठीक है, तो वाटर पीटर नैन्सी चार्ली शुगर हम जो है इसको एंटर करते हैं तो ये देखें इसको उसने सर्च किया है कि 51,718 वाली क्लास सबसे सस्ती है। तो हम इसको बोलेंगे यार हम जो है ना इसको आप जो है वो रीबुक कर दो। वाटर पीटर नैन्सी चार्ली बम्बे का मतलब है, वाटर पीटर नैन्सी चार्ली का मतलब है कि इस क्लास को वो खुद ही वो हमने जो मदर क्लास पकड़ी थी उसको छोड़ के ये खुद ही उसको जो है वो ये जो सबसे सस्ती इसने क्लास की लो सर्च की है इसको वो रीबुक कर दे। ठीक है, तो ये कमांड से वो इसको रीबुक कर देगा। ठीक है, ये देखें उसने इसको रीबुक कर दिया, और ये देखें बहुत अच्छा सिस्टम है। ये देखें 25 जुलाई को ये डिपार्च कर रही है, और हम कब तक इस टिकट को परचेज़ कर सकते हैं पहले तो हम कमांड लगा के ये चेक करते थे। अब ये देखें कितना प्यारा सिस्टम आ गया कि उन्होंने हमें पहले बता दिया है कि आप जो है 2 जुलाई तक जो है रात 11:59 से पहले पहले इसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखें कितना प्यारा सिस्टम है, आपको जो है वो रेट USD का वो बता रहा है, सारा कुछ ठीक है, वैलिडेटिंग करियर बता रहा है, और ये देखें आपको टैक्सेस के मतलब उसकी कैलकुलेशन टोटल कर रहा है, और ये देखें ठीक है ये भी कैलकुलेशन है उसकी टैक्सेस की। इसके बाद ये देखें आपको जो है वो बैगेज के मतलब बता रहा है, 30 kg आप बैगेज लेके जा सकते हैं,
कैरी ऑन अलाउंसेस है आपको, जो हैंड कैरी जो है वो भी आपको अलाउंसेस है। और ये देखें आपको बता रहा है अप टू 15 पाउंड 7 किलोग्राम जो है वो आपको जो है उस वो हैंड बैग आप लेके जा सकते हैं। और उसका जो है वो साइज़ जो है 45 लीनियर इंच होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें 115 लीनियर सेंटीमीटर उसका जो है वो साइज़ है। कैरी ऑन चार्जेस ये देखें लाहौर से जो दुबई के लिए एमरेट्स एयरलाइन पे कोई चार्जेस नहीं है इसके, क्योंकि ये हैंड कैरी आपको पता है ये फ्री होता है। और अगर आपने जो है एडिशनल जो है सामान आपने अगर कोई करना है इसमें ऐड, तो उसके जो है वो उस पर चार्जेस ये लग सकते हैं। ये सारा कुछ आपको उसने इसमें डिटेल जो है वो हमें बता दी है। क्रेडिट कार्ड से भी आप जो है इसकी जो है वो एक्स्ट्रा सामान की जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें आपको ये भी बड़ा अच्छा बता दिया है हमें जो है वो, आगे जाके हमने ये सीखना था कि कौन क्लास को कैसे है, हमने जो है वो सीट को कैसे है, हमने विंडो सीट को कैसे, समटाइम कस्टमर कहता है कि मुझे जो है वो विंडो सीट दी जाए जो खिड़की की तरफ है, तो वो कैसे हमने देनी है जो, तो ये देखें ऑटो ही इसमें उन्होंने फंक्शन डाल दिया है। अगर आपने जो है उसको विंडो सीट देनी है तो ये देखें 14 किलो सीट का नंबर है ये इसकी जो है वो विंडो सीट होगी। ये देखें ये जो अवेलेबल जो सीट्स हैं उनका कलर ये है, अनअवेलेबल का जो है वो ये है, साइन ठीक है, नॉन बुकेबल जो है जो हम बुक नहीं कर सकते वो ये हैं सीटें, इनकी प्राइसिंग आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये देखें ये प्रेफर्ड जो है वो पेड हैं, ठीक है। समटाइम सीटें ऐसी होती हैं जो आपको जो है वो चाहिए होती हैं, लाइक जैसा कि उसके आगे जो है आप जो है आराम से आपकी जो टांगे हैं लेग्स हैं वो फ्लेक्सिबल खुल जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी सीटें फ्लेक्सिबल के लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है, ठीक है। ये तब कोई क्लास बुक हो सकती है जब हम PNR बना लेंगे, ठीक है। उससे पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद ये देखें एक्स्ट्रा जो है ये देखें ये हैं वो क्लासेस का बता रहा है कि अगर आपने कौन सी क्लासेस जो है वो विंडो है एंड रेंस है, ये जो है वो आपको मैंने बता चुका हूँ जो आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टांगे, जिसमें आपकी जो वो खुल जाती हैं, सीट भी मूवेबल हो जाए। ये देखें बैंडेड ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि कुछ फ्लेक्सिबल ऑफर्स के फेयर्स होते हैं जो कि एमरेट्स से लगाता है, तो वो भी आपको ये बता रहा है कि वो भी ये देखें कौन इकोनॉमी फ्लेक्स का रेट ये है। और ये देखें ये इकोनॉमी फ्लेक्स क्लास है जो आपने अभी 51 की है। अगर आप इकोनॉमी फ्लेक्स प्लस करते हैं उसका फेयर ये है, बिज़नेस सेवर करते हैं तो बिज़नेस क्लास का फेयर जो है वो भी आपको उसने एडवांस में ऑटो बता दिया है, जबकि पहले आपको जो है वो देखना पड़ता था। सेव प्राइसिंग जो का मतलब ये है कि आप जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब PNR बना लेते हैं उसमें फेयर फील करते हैं, तो इधर भी आप जो है ऑटो ही इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका फेयर जो है वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हम सीख रहे थे एडवांस जो है प्राइसिंग के मतलब। अब जो है मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अब ये देखें हम जो है 20 सितंबर को लाहौर से लंदन जाते हैं एमिरेट्स एयरलाइन पे, तो आप क्या करें, आप क्लास पकड़ लें, यहाँ से विक्टर क्लास पकड़ लें। आपको आपने सबसे जो सस्ती क्लास है वो कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, FQ से चेक करनी है। अगर सारी क्लासें मौजूद हैं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो है वाटर पीटर नैन्सी चार्ली बम्बे से है ऑटो ही उसको जो है वो सबसे सस्ती क्लास को उठा लेंगे, ठीक है। 01 विक्टर 1 विक्टर 2 मैं आगे आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आप विक्टर 1 विक्टर 2 के ज़रिए बता चुका हूँ। आपको नया तरीका मुतारफ़ कराने लगा, आप स्टैरिक लगा दें तो विक्टर 2 को वो खुद ही उठा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्टर होगा वो उसको खुद ही जो है वो सेल आउट कर लेगा, ठीक है। और ये देखें हमने जो है लाहौर से जो है वो लंदन के लिए क्लास को जो है वो हमने सेल आउट किया है। और अब ये देखें वाटर पीटर इस लिए हम जो है इसका फेयर चेक करेंगे, तो इसके बाद जो है वाटर पीटर नैन्सी चार्ली बम्बे से जो है हम ये देखें सारे फेयर उन्होंने दे दिए हैं। वो कहता है सबसे जो चीपेस्ट फेयर है वो किलो क्लास में है, ठीक है, जाते हुए भी किलो आते हुए भी किलो। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहाँ से अब जो है वो सेक्टर चला गया है, आप ये नहीं कर सकते कि अब ये आ गया है, आप ये नहीं कर सकते यहाँ से आप विक्टर उठा लें, यहाँ से आप टोमी उठा लें, नहीं, आपको एक सेक्टर पे एक ही क्लास उठानी पड़ेगी, यानी कि विक्टर यहाँ से, विक्टर यहाँ से। अगर आपकी रिटर्न टिकट है
तो फिर आप जो वापसी की क्लास है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक सेक्टर है पूरा वो एक ही क्लास पे जो है वो सेल होगा, ठीक है। तो ये देखें, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, आप जो है ऑटो प्राइसिंग वाटर पिटनेस चार्ली बम्बे का लगा देंगे तो उठा लेगा। इसके बाद हम एक और एडवांस कमांड लगाने वाले हैं, वो कमांड जो है वाटर पीटर नैन्सी आइटम है। ये बहुत ही एक जो है इम्पोर्टेंट कमांड है, जो कि फेयर शॉपिंग करती है, जो कि आपको ये भी बताएगी कि सबसे सस्ता फेयर कौन सा है, और इससे भी सस्ती अगर कोई एयरलाइन जा रही है तो वो भी आपको निकाल के दिखा देगी, आपको मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वाटर पीटर नैन्सी आइटम ये बहुत ही आइटम जो है वो एक्सीलेंट जो है वो कमांड है। तो ये देखिए, इसने सबसे ये सस्ता जो है वो ये देखिए किलो ग्लास में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। वहाँ आपको मैं ऊपर बता चुका था किलो ग्लास सबसे सस्ती है। तो जब सारी क्लासें मौजूद हों तो फिर कोई भी क्लास उठा के जो आप कर लें, अगर कुछ क्लासें मौजूद नहीं हैं तो फिर आप जो है फ्यू से पहले चेक कर लें। ये देखिए, वो कह रहा है सबसे पहले जो है एमरेट्स एयरलाइन है, यही सबसे सस्ती है, जिसका फेयर जो है 79,000 है, ठीक है, लंदन के लिए। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो श्रीलंकन एयरलाइन का है, जबकि वो 63,000 की है। अगर कोई एमरेट्स एयरलाइन से सस्ती होती तो वो इसके ऊपर आ जानी थी, इसके ऊपर जानी के शो हो जानी थी, ठीक है। ये देखें कितनी ही इम्पोर्टेंट कमांड है ये भी, ये देखें ये भी आपको जो है वो सारा इसका वो अल्टरनेटिव फेयर भी बता रहा है, ठीक है। और इसको हम जो है वो अब इग्नोर करते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि सिगमेंट जो होता है, सेगमेंट होते हैं, उस सेगमेंट वाइज कैसे फेयर चेक करते हैं। इसमें आपने एक रिटर्न फेयर लिया है लाहौर से दुबई, और दुबई से वापसी लाहौर पे जो है वो फेयर लिया है, तो आप जो है पहले तो उसको इकट्ठा चेक कर लें। एक पैसेंजर कहता है यार जाते हुए कितना फेयर है और आते हुए का कितना फेयर है, तो आप जो है वो सेपरेट तरीके से भी उसको चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं कि जाते हुए कितना फेयर था और आते हुए कितना फेयर है, तो वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ये ज़रा आज थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मैं इसलिए इसको नहीं दोबारा लेक्चर को बना रहा, क्योंकि काफ़ी पीछे इम्पोर्टेंट लेक्चर काफ़ी बन गया है, तो फिर दोबारा हमें बनाना पड़ जाएगा नेट की वजह से। तो नेट का थोड़ा सा आज स्लो है नेट, तो ये मैं आपको जो है हम जो है वो नेक्स्ट जा रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सेगमेंट वाइज हमने जो बात की थी, लाहौर से अगर आप दुबई जाते हैं या लाहौर से आप लंदन जाते हैं, तो ये देखें 1/25 जुलाई लाहौर से आप ऐसा करें कि आप लंदन ही चले जाएं एमरेट्स एयरलाइन पे, ठीक है। तो किलो किलो ये किलो और जाते हुए ये दोनों सेक्टर में हमने किलो किलो क्लास देखी है, दोनों में है, दोनों में मौजूद है, ठीक है। और आपने जो है इसको 01 किलो 1 डिस्प्ले कर देना है, ठीक है, और डिस्प्ले से वो खुद ही दूसरा सेक्टर है वो उठा लेगा। ये देखें, ये आपको डिटेल सारी जो है वो मिल गई है इसमें, ये देखें कितना प्यारा है। इसमें आपने क्लास चेंज करनी है, अगर आपने वो रूट चेंज करना है तो वो भी आपको जो है इसमें ऑटो ही बता रहा है। ये देखें, वो सारा कुछ आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑप्शन बता चुका हूँ, मॉडिफिकेशन डेट आपने चेंज करनी है, और अगर आपने रिटर्न अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो सेम डे की अवेलेबिलिटी आपकी जो है वो होगी, यानी कि आज जो है वो लंदन से कौन सी फ़्लाइट जो है एमरेट्स एयरलाइन जो आज फ़्लाइट वापस आ रही है लंदन से वो कितने बजे आ रही है। ये रिटर्न अवेलेबिलिटी का मतलब होता है करंट डे की अवेलेबिलिटी। आगे हम जाते हैं 20 सितंबर को लंदन से लाहौर हम आ जाते हैं, ठीक है, एमरेट्स एयरलाइन पे। आप जो है वो ब्रिटिश एयरवेज़ तो जा नहीं रही लंदन, अगर हम उसका दुबई का चेक करते तो दुबई में तो आपको पता है एमरेट्स उनकी अपनी एयरलाइन है, वहाँ इसने डायरेक्ट ही जाना था 01। हम जो है ये ऑटो यहाँ से जो है ना आपको मैं ऑटो भी सिखा दूँ थोड़ा सा, तो आपने जस्ट जो है यहाँ से कौन सी क्लास आपने जो है वो पकड़नी है, किलो क्लास आपने जो है वो कैप्चर करनी है, यहाँ से दोनों की सिर्फ किलो किलो क्लास है, एक ही पैसेंजर है आपके पास, ठीक है, और यहाँ से आपने सेल कर देना है, तो वो पूरे सेक्टर को वो खुद ही उठा लेगा, ये देखें, ठीक है। अब ये सारे सेक्टर को इकट्ठा करने के लिए डिस्प्ले आपने अल्फ़ा करना है, तो आपको ये पूरा सेक्टर वो जो है वो देखें उठा के दिखा देगा। आप वाटर पीटर करें इसका,
वाटर पीटर करेंगे तो आपको वो बता देगा कि इसका जो है लाहौर से लंदन, लंदन से वापसी पे कितना जो है वो किराया है, 1,44,817 फेयर है, ये बेसिक फेयर है इसका, ठीक है। अगर आप इसको वही कमांड लगाते हैं वाटर पीटर नैन्सी चार्ली बम्बे, तो वो आपको इससे सस्ती की क्लास है तो वो उसको वो रीबुक करेगा। तो देखते हैं इससे सस्ती की क्लास है। तो इस सबसे सस्ती यही क्लास है, ठीक है। ये ऑर्ड बैक स्पेस है, इसको जो है फिनिश करें, डिस्प्ले सॉरी डिस्प्ले अल्फा से इसको जो है वो फिर लेके आए। अब आपने जो है वो रिटर्न फेयर तो देख लिया वाटर पीटर से, और वाटर पीटर नैन्सी चार्ली बम्बे भी करके देख लिया, यही सबसे सस्ता है। अब एक वो बंदा है, क्लाइंट आपको कह रहा है लाहौर से सिर्फ लंदन का मुझे फेयर बताएं कितना है। तो अब वाटर पीटर शुगर वन, यानी कि ये वाला सेगमेंट है लाहौर से दुबई, दुबई से आगे जो है ये लंदन हैथरो के लिए, ये कितना फेयर है, एक सेट का कितना फेयर है, लाहौर से जो लंदन जाएगी उसका कितना फेयर है, तो वो आपको ये बता देगा। और मल्टीपल सेगमेंट हैं तो मल्टीपल सेगमेंट में भी आपको मैं बता दूंगा। ये देखें वो बता रहा है 51,718 रुपये फेयर है, ठीक है। और वो कह रहा है वापसी का कितना फेयर है, तो आप वाटर पीटर सेगमेंट टू कर देंगे तो आपको बता देगा वो वापसी जो है वो उसका वापसी का कितना फेयर है। तो टोटल करेंगे वही वाटर पीटर जो आपने किया था 1,44,000 समथिंग, वो ही जो है वो आपको वो कैलकुलेट करके वही सामने टोटल इसका आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी एडवांस प्राइसिंग के हवाले से हमारा जो लेक्चर था। तो आप जो अगर मल्टीपल जो है अगर आप उठाते हैं मसलन यहाँ से जो है वो आप 25 जुलाई लाहौर से दुबई कर लेते हैं एमिरेट्स एयरलाइन, एमर्स एयरलाइन आप कर लेते हैं लाहौर से दुबई, यहाँ से सेल करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है ना वो एडवांस तरीका भी आ जाए, किलो क्लास सबसे सस्ती थी, तो ये देखें हम इसको यहाँ से सेल कर दिया हमने। तो ये देखें यहाँ पे भी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखें प्राइसिंग, ये देखें आपको जितनी मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ ना एडवांस प्राइसिंग के मतलब, ये सारी कमांड यहाँ पर इन्होंने शो कर दी है। ये देखें कितना ही प्यारा ऑप्शन है इनका, ठीक है, कितना प्यारा आपके लिए, कितना आसान हो गया है। रिटर्न अवेबिलिटी भी आपने जस्ट क्लिक करना है, पहले आपको कमांड लगानी पड़ती थी, ठीक है। आगे जो है आप जो है 20 सितंबर आप जो है दुबई से आप चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं एमिरेट्स एयरलाइन पे, ठीक है। तो आप जो है आप इसको किलो क्लास को कर लें 01, किलो क्लास इसमें मौजूद है जी 01, किलो वन करके क्लास को कैप्चर कर लें आप, तो ये आप जो है इसको जो है आप दो तीन सेक्टर पकड़ के तो आप जो है ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दो तीन सेक्टर का फेयर भी जो है वो चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले अल्फ़ा करें ताकि सारे सेक्टर जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं लाहौर से। अच्छा आगे आप जो है आप आ जाएं आप सितंबर नवंबर 10 नवंबर को आप आ जाएं लंदन से लाहौर आ जाएं आप डायरेक्टली, सॉरी लंदन से लाहौर एमिरेट्स एयरलाइन पे आएंगे तो आपको दुबई में आते हुए स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई की जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन तो आपको पता दुबई की है। आपको ये किलो क्लास है, यहाँ से किलो क्लास उठाने 01, किलो वन किलो टू, ठीक है। किलो टू वो आपने डिस्प्ले कर दिया है, वो जो दूसरा सेगमेंट है वो खुद ही उसको वो जो है वो पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये सारा सेक्टर इकट्ठा कर दें आप अल्फ़ा, डिस्प्ले अल्फ़ा से, ठीक है। अब आ गई मल्टीपल सेक्टर की बात, ठीक है। अब ये देखिए वाटर पीटर, आपने वाटर पीटर सेगमेंट वन से टू तक का फेयर देखना है तो ये आप एंटर करेंगे ऐसे, तो आपको वो जो लाहौर से दुबई, दुबई से आगे जो आप लंदन जा रहे हैं ना सिर्फ वहाँ तक आपको फेयर बता देगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने अगर जो है इससे ज़्यादा जो है वो सेक्टर देखने हैं, जैसा कि आपने 3 से 4 देखना है, 4 से 5 देखना है, तो इसी तरह देखेंगे, ठीक है। आप ऐसा करें इसको अल्फ़ा जो है डिस्प्ले अल्फ़ा से इसको जो है वो इकट्ठा करें, वाटर पीटर करें और देखें कि इससे भी सस्ती कोई अगर कोई एयरलाइन जा रही है तो उसका ऑप्शन भी मैं आपको दोबारा जो है वो कमांड लगा के दिखाने लगा वाटर पीटर नैन्सी आइटम से, ठीक है।
तो वो बता देगी आपको इससे भी कोई सस्ता, अगर कोई है, कोई एयरलाइन है इससे सस्ती या इससे सस्ती भी क्लासेस हैं, तो वो आपको बता देगा। ओके, वो देखें ऑलरेडी बुक्ड एट लोएस्ट अवेलेबल फेयर, ऑलरेडी आपने जो है वो लोएस्ट फेयर जो है वो बुक किया हुआ है, लिहाजा नो लोअर फेयर, इससे जो लो फेयर है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है एडवांस प्राइसिंग का, मैंने आपको आज बता दिया है कि कैसे जो है वो प्राइस को जो है वो सर्च आउट करते हैं, कैसे सस्ती क्लास उठाते हैं, कैसे सिगमेंट वाइज उसको चेक करते हैं, ठीक है, और कैसे जो है हम जो है वो सबसे सस्ती क्लास को शॉपर करते हैं, फाइंड करते हैं वाटर पीटर नाइन सी आइटम से, ये कमांड से, ये बहुत ही अहम कमांड है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट्स में आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।